जयंत बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के ये 12th चैप्टर हीरोन का फार्मूला यानी हीरोन सूत्र के अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली 12.2 पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पर कोई बहुत स्पेशल फार्मूला नहीं है, और अगर स्पेशल फार्मूला होगा तो हम आपको बता देंगे। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है एक पार्क, कोई पार्क है जो चतुर्भुज ABCD के आकार का है, ABCD के आकार का है, जिसमें एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये जो एंगल सी है ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है तो अगर हम बी से डी को मिला दें तो ये जो BCD होगा ये समकोण त्रिभुज होगा। और आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण होगा, और फिर ये आधार होगा, ये लंब होगा, और फिर पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण की गणना भी कर लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखिए सब वैल्यू दिया हुआ है। AB की वैल्यू 9 मीटर, BC की वैल्यू 12 मीटर, CD की वैल्यू 5 मीटर, और AD की जो वैल्यू है वो 8 मीटर दिया हुआ है। तो इस पार्क का क्षेत्रफल कितना है? हम एक काम करते हैं, हमने आपने देखा है BD को हमने मिला दिया तो यह चतुर्भुज 2 ठे त्रिभुज के रूप में हो गया। एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। दोनों का क्षेत्रफल हम अलग अलग निकाल लें, लेकिन देखें ये BD को निकाल लेना आवश्यक है। तो त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए देखिए तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। ये हो जाएगा आपका BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा CD का स्क्वायर। तो चलिए BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC, BC की वैल्यू 12 है, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस CD की जो वैल्यू है ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये देखें BD स्क्वायर इजकल टू 12 का स्क्वायर अगर आप कर दें तो ये 144 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा। फिर BD का स्क्वायर इजकल टू अगर हम इसको ऐड कर लें तो 169 हो जाएगा, और फिर अगर हम BD की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा और 169 का वर्गमूल हो जाएगा, और इस प्रकार BD की जो वैल्यू होगी वो 13 मीटर हो जाएगी। ये वैल्यू हो गई 13 मीटर। अब देखें ये जो BCD है ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला एक होता है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार और गुणे होता है लंब। तो इसको भी हीरोन नहीं बताया था, इस फार्मूले को भी, जितना क्षेत्रफल निकालने के जितने फार्मूले हैं सभी हीरोन के द्वारा ही बताए गए हैं। तो अब आप जो है आप यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी से भी निकाल सकते हैं, और इस तरह से भी निकालेंगे, दोनों से क्षेत्रफल जो निकलेगा वो सेम आएगा। तो चलिए हम त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालते हैं, या लिख देते हैं क्षेत्रफल BCD। तो जब डेल्टा चिन्ह बना दिया जाता है तो डेल्टा का मतलब क्षेत्रफल होता है और BCD का मतलब BCD का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 1/2, आधार BC है और लंब जो है यह CD है, वैल्यू रख लिया जाए तो फिर ये हो जाएगा 1/2, BC की वैल्यू है 12 और फिर CD की वैल्यू है 5,
टू से इसको कट कर देंगे तो 2 × 12 हो जाएगा, 6 × 5 में गुणा कर देंगे तो 30, और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम त्रिभुज ए बी डी का निकालें। अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं है, अगर समकोण त्रिभुज होता ना तो इसके लिए भी यही फार्मूला अप्लाई करके आसानी से निकाल लेते, लेकिन ये समकोण नहीं है और ये विषमबाहु त्रिभुज है। ये देख रहे हैं ये 9 मीटर, ये 8 मीटर, ये 13 मीटर है। तो अब हम लोग निकालते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी डी के लिए यहाँ नोट कर देंगे और देखें ये वैल्यू क्या होगी। एक भुजा ए इजकल टू 9 मीटर और बी इजकल टू नोट कर लेते हैं 8 मीटर और सी इजकल टू 13 मीटर। तो अब जो है यस की वैल्यू हम निकालें तो यस इजकल टू आपको मालूम है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है, तो 9 + 8 + 13 और बाई हो जाएगा 2। जरा जोड़ लीजिए तो 9, 8, 17 और 13 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30/2 और 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15 मीटर हो जाएगा। अब हीरोन का फार्मूला आपको मालूम है, अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, इसी फार्मूले का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हो गया 15 और ये होगा 15 - 9 और ये होगा 15 - 8 और ये होगा 15 - 13। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखें क्या मिलेगा हम लोगों को। ये हो गया 15 और देखिए 15 में से 9 माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 15 में से यहाँ पर 8 माइनस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और 15 - 13 माइनस करेंगे 15 में से 13 तो ये हो जाएगा 2। तो अब देखिए कि इसका क्या फैक्टर हो पाएगा क्या, तो देखते हैं। फिर हम 15 को लिख देंगे 5 × 3 और 6 को लिख देंगे 3 × 2 और 7 तो 7 ही रहेगा और ये हो गया 2। ज़रा निकाल लिया जाए इसका वर्गमूल। तो अब देखिए आप यहाँ पर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो ये जो है 3 × 3 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 2 × 2 का वर्गमूल हो जाएगा 2। अब ये है 5 × 7 = 35, तो 35 का तो वर्गमूल निकल नहीं पाएगा तो इसको हम अंडर रूट 35 ही रख देंगे, यानी ये हो जाएगा 3 × 6 और अंडर रूट 35 मीटर का स्क्वायर। अब इसके बाद हम देखते हैं तो इस प्रकार जो है 6 और 35 का वर्गमूल लगभग 5.87 होगा, तो इन दोनों का अगर हम गुणा कर लें तो ये 35.22 मीटर स्क्वायर लगभग हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये लगभग हम वैल्यू लिखी गई है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, चतुर्भुज के क्षेत्रफल हम बना देते हैं तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये है पहले वाला 30 और दूसरा है 35.22, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 65.22 और ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा ना तो चतुर्भुज को 2 त्रिभुज में बांट लेंगे और दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके हम जब दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ये जो क्षेत्रफल निकलेगा यह लगभग में निकलेगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ दिया हुआ है चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिगर में आप देखें चतुर्भुज ए बी सी डी दिया हुआ है,
जिसमें ए बी इजकल टू दिया है 3 सेंटीमीटर, बी सी इजकल टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इजकल टू 4 सेंटीमीटर और ए डी इजकल टू या डी ए इजकल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और फिर ए सी की वैल्यू भी दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ देख रहे हैं 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये होगा, दूसरा त्रिभुज ये होगा, तो इस त्रिभुज का अलग क्षेत्रफल निकालिए, इसका अलग क्षेत्रफल निकालिए। तो देखेंगे त्रिभुज एबीसी के लिए या त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग नोट कर ले ए की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और फिर बी की जो वैल्यू दी गई है ये है 4 सेंटीमीटर और फिर सी की जो वैल्यू है ये 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग यस की वैल्यू निकालेंगे, यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो 3 + 4 + 5/2 ये हो जाएगा 12/2 यानी ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। फार्मूला आपको मालूम है, फार्मूला बार बार लिखना ज़रूरी नहीं है, एक दो बार लिख सकते हैं लेकिन बार बार लिखना ज़रूरी नहीं है। तो यस और यस माइनस ए, फिर यस माइनस बी और फिर यस माइनस सी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए 6 और ये हो गया 3 और ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 1। तो फिर देखें हम 6 को लिख सकते हैं 3 × 2 × 3 × 2 × 1। ज़रा देखिए तो 3 × 3 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और 2 × 2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल और इस प्रकार देखें, यहाँ भी ए की वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू होगी 4 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ से भी अगर यस की वैल्यू निकालें ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो ये हो जाएगा 5 + 4 + 5/2 ये हो जाएगा 14/2 यानी ये हो जाएगा 7। अब फिर सीधे फार्मूला हम फार्मूला रखते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा ए सी डी, ये हो जाएगा अंडर रूट यस, ये हो गया 7, यस माइनस 5 फिर 7 - 4 और फिर हो जाएगा 7 - 5। सॉल्व करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आती है। ये हो जाएगा 7, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और फिर ये 7 - 5 ये भी 2 हो जाएगा और फिर देखे क्या होगा, तो ये 2 × 2 का स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा 2 और 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 7 × 21 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप चाहे तो 21 का स्क्वायर रूट निकाल करके रख सकते हैं। तो अब ये जो है देखें, 2 हो गया, 21 का वर्गमूल लगभग 4.65 के आसपास आएगा और फिर 2 का छेद 4.65 में गुणा कर देंगे तो ये आपका लगभग ये जो है 9.3 आ जाएगा। और फिर अगर संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका 9.3 है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ये 15.30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज के वीडियो में कंप्लीट होते हैं और हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।